दोस्तों आज हम बनाएंगे मशरूम घी रोस्ट। इसके लिए हम सबसे पहले हमारे घी रोस्ट के मसाले थोड़े से रोस्ट कर लेंगे। देखिए इसमें हमने जीरा लिया है, सौंफ है, काली मिर्च और लौंग है, मेथी दाने हैं, धनिया के दाने हैं और हींग है। थोड़ी सी राई भी आप चाहें तो डाल सकते हैं। पहले कढ़ाई गर्म कर देते हैं। ये हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें हमने सबसे पहले सौंफ डाल दी है। अब हमने इसमें मेथी दाना डाल दिया, नहीं धनिया, आका धनिया डाल दिया है और ये जीरा डाल दिया है, मेथी दाना डाल दिया है, काली मिर्च और लौंग डाल दिए, इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे। ये हमारे मसाले भुनने शुरू हो गए हैं। थोड़ी सी राई डाली है, इसको आप अच्छे से भून लीजिए। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, बहुत ही बढ़िया स्मेल आ रही है इसकी भुने हुए मसालों की। ये हमारे मसाले भुन चुके हैं, जिसको हम एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। साथ ही हमने ये भिगो के रख लिया था, मिर्ची, लहसुन, सनफ्लावर सीड्स और अदरक, और इसकी जगह आप काजू भी ले सकते हैं। हमने आज सनफ्लावर सीड्स लिए, ये भी आप इसमें मिक्सी में डाल दीजिए। ये हमने लाल भिगोई लाल मिर्ची, अदरक, लहसुन और ये सनफ्लावर सीड्स ले लिए। बस ये हमने मिक्सी में सब आइटम डाल दिया है। इसमें मैंने दो टमाटर भी डाले हैं। जैसे काफ़ी रेसिपी में आपको बिना टमाटर के ये पेस्ट बनता हुआ भी मिलेगा, मैंने टमाटर डाले हैं। अब हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए ऐसा हमारा पेस्ट बन रहा है, थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। ये हमने पूरा मसाला पीस लिया है, देखिए बहुत ही बढ़िया स्मेल आ रही है इसमें, जो हमारे रोस्टेड मसाले थे उसकी। और ये आपका ग्रेवी का मसाला रेडी हो चुका है। अब हम मशरूम को रेडी कर लेंगे। ये हमारे मशरूम है, मशरूम का पैकेट आता है इस तरह का, इसको आप खोल लीजिए और इसमें से मशरूम साफ कर लीजिए। ये मशरूम है, इसके हम ये नीचे का पोर्शन कट कर लेंगे और इतना इतना मशरूम हम रखेंगे। ये हमने मशरूम को नीचे से कट कर दिया है और इसको थोड़ा धो लेंगे। वैसे मशरूम को धोते नहीं है, पर मेरे मशरूम में मिट्टी बहुत थी तो इसको हम फटाफट से धो लेंगे। धो के इसको पानी में ज़्यादा देर नहीं रखना, क्योंकि उससे बहुत सारा पानी सोख कर लेगा और काला भी होने लग जाएगा। तो फटाफट आप इसको धो के दूसरे बर्तन में डाल दीजिए। ये हमारे मशरूम हमने धो लिए हैं और एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए इसको कपड़े में रख देंगे। इस तरीके से आप रख के हल्का हल्का सा दबा दीजिए, एक्स्ट्रा पानी उनका सब निकाल लीजिए। ये हमने कढ़ाई वापस से गर्म कर दी है, इसमें डाल देंगे घी हमारे मशरूम को फ्राई करने के लिए। और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे तेल, कि आपका घी जले नहीं। ये मशरूम को आप कट लगा लीजिए, अगर आपको छोटा मशरूम है तो 1/2, बड़ा मशरूम है तो 1/4। घी हमारा गर्म हो चुका है, मशरूम हमने कट कर लिए हैं और अब ये मशरूम हम इसमें डाल देंगे। मशरूम दीजिए। ये देखिए ये जो साउंड आपको सुनाई दे रहा है, मशरूम का सारा पानी निकल रहा है
थोड़े से मशरूम हमको इसमें गलाना है और फिर हम हमारी ग्रेवी बनाएंगे। तब तक आप इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए कलर के लिए। मशरूम गलना स्टार्ट हो गए। ये देखिए हमारे मशरूम हमने ऐसे फ्राई कर लिए हैं, एकदम इनकी क्वांटिटी भी कम हो गई है, काफ़ी पानी निकल गया है। और अब हम इसको निकाल लेंगे कढ़ाई से। कढ़ाई बंद कर दीजिए और बाकी हम इसको ग्रेवी के साथ में वापस पकाएंगे। इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए ये हमने सारे मशरूम निकाल लिए हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से रोस्ट हो गए। वापस से कढ़ाई ले लिए, उसमें वही अपना घी और थोड़ा सा तेल डालेंगे। थोड़ा सा इसमें तेल डालेंगे। ये जो हमारा पेस्ट था इसको हम भून लेंगे वापस। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे कलर के लिए। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। ये देखिए हमारा मसाला भुनना शुरू हो गया है, इस साइड में घी आने लग गया है। इसमें आप थोड़ा सा इमली का पल्प डाल दीजिए और गुड़ डाल दीजिए। हमारे इमली के पल्प में ही हमने गुड़ मिला के रखा हुआ है, तो इसको हम इसमें मिला लेंगे। अभी इमली का पल्प गर्म पानी इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा गर्म पानी और डाल देंगे। ये देखिए हमारी ग्रेवी हो चुकी है, इस टाइप की ग्रेवी होनी चाहिए। और अब हम इसमें हमारे मशरूम डाल देंगे। हमारे मशरूम और क्वांटिटी के हिसाब से नमक डाल देंगे। साथ ही कड़ी पत्ता एकदम फ्रेश कड़ी पत्ता इसमें डाल देंगे। अब इसको मशरूम के साथ थोड़ी देर पकाएंगे। नमक भी इसमें अभी डाला है हमने, थोड़ी देर इसको पकाएंगे और फिर आपको खा के बताते हैं इसका टेस्ट। ये देखिए तेल पूरा ऊपर आ चुका है और हमारी सब्जी एकदम तैयार हो गई है। इसे हम कटोरी में निकाल लेंगे। और इसमें थोड़ा सा नींबू डाल देंगे क्योंकि खड़े मसालों की जो टेस्ट है उसको काटने के लिए इसमें नींबू डाल दीजिए। और इसे खाएंगे गर्मा गर्म रोटी के साथ। रोटी ले लीजिए। अब इसे टेस्ट करके देखते हैं कि हमारे मशरूम घी रोस्ट कैसा बना है। एक मशरूम ले लेंगे
मसाला ले लेंगे। वाह बहुत बढ़िया, मसालों का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, थोड़े से स्ट्रांग हो गए मसाले। आप चाहें तो मेथी कम कर सकते हैं और बाकी बहुत अच्छा टेस्ट है। मशरूम पूरी तरीके से पक चुके हैं और अब अगर आप भी पक चुके हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।